में क्या क्या होता है तो आप लोग बहुत मजा आएगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स की दो टाइप्स हैं, सिंपल लिखने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या है, व्हाइट राइस, व्हाइट पास्ता और मैदा, मैदा कर लो। मैदे से सारे पेस्ट्री पिज्जा सब कुछ मैदे से बनता है, ठीक है। व्हाइट व्हाइट राइस, व्हाइट पास्ता, ठीक है, मैदा। इसके ऑपोजिट में आपके पास क्या है, ब्राउन राइस, ब्राउन पास्ता, ब्राउन ब्रेड, ठीक है, सही है। यहां पे आपके पास आता है नॉर्मल पोटैटो, यहां पे आता है आपके पास स्वीट पोटैटो। अब समझो कि ब्राउन और अच्छा इसके अंदर और इसके अंदर फर्क, अच्छा एक लाल वाली रोटी होती है और एक होती है सफेद वाली मैदे वाली, सही है, बनती एक ही ग्रेन से है। ग्रेन क्या है, दाना है, दाना। एक ग्रेन क्या होता है, ये ग्रेन है, ये दाने है, ये आपने वो पूरे पूरे पौधे देखे ना खेतों के, ये ग्रेन है, ग्रेन कहलाता है। ग्रेन के तीन हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है जर्म, एक हिस्सा होता है ब्रान, बी आर ए एन, और ये होता है एंडोस्पर्म। अच्छा सुनो, ये जो व्हाइट वाला राइस है उसके भी तीन पार्ट हो गए, व्हाइट वाला जो मैदा है, मैदे मैदे वाली रोटी, उसके भी तीन, एक ग्रेन है उसके अंदर, व्हाइट वाला जो हिस्सा है ना वो एंडोस्पर्म है, उसमें से जर्म और ब्रान को निकाल दिया है। जर्म और ब्रान के अंदर है असल फाइबर, ठीक है, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, इन दो चीजों के अंदर है जो इनको निकाल दिया है। इनको क्यों निकाला है, इनको इसलिए निकाला है कि अगर ये इसके अंदर रहेगा तो इसकी शेल्फ लाइफ कम होगी, ठीक है, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए इसके अंदर से जर्म और ब्रान को निकाल लेते हैं। और जब ये दो चीजें निकाल देते हैं तो उसका फ्लफी टेक्सचर होता है, मैदा देखा कितना फ्लफी होता है और ब्राउन वाला कितना रफ होता है, ब्राउन वाले में केक तो नहीं बनेगा, वो फूलेगा भी नहीं, ठीक है। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें से ब्रान और जर्म को निकाल देते हैं, सही है, एक ही ग्रेन है निकाल दिया तो क्या बच गया, एंडोस्पर्म बच गया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रह गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, ये तीनों चीजें शामिल है, ब्रान, जर्म और एंडोस्पर्म, जिसके अंदर जो पूरा फाइबर भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, सारी चीजें शामिल है। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल व्हाइट राइस, व्हाइट शुगर, ये व्हाइट जो सिंपल है, सिंपल का मतलब ये है इसके अंदर फाइबर नहीं है, सिंपल डेफिनेशन, फाइबर नहीं है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वो आपकी बॉडी में जाएगा, क्योंकि फाइबर नहीं है वो फौरन से आपका ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और फौरन से जो खून की नहर चल रही थी उसमें शामिल हो गया, यूज कर लिया ब्लड के अंदर, इंसुलिन अगर काम कर रही है तो वो ब्लड तक ले जाएगी, इतने को लेके जा सकी ले जाएगी, बाकी फैट में स्टोर हो जाएगी, सही है। ये सिंपल जो है इसमें फाइबर नहीं होता, ये आपकी बॉडी में फौरन जाती है, फौरन ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, फौरन से आपने एनर्जी कंज्यूम कर ली तो ठीक है, वरना ये फौरन से क्या करेगी, फैट में चली जाएगी। ये गेट के ऊपर आएंगे ब्लड सेल के, चौकीदार नहीं होगा, ये बगैर वेट किए ना अपनी 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 मंजिलों में निकल जाएंगे, फैट फैट में जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये लोग बड़े अभी इसमें पाइप, ये वेट नहीं करते भाई, ये वेट नहीं करते, इनके पास ये बहुत जल्दी में रहते, ये पेट में जाते हैं, ग्लूकोज में बनते हैं, एनर्जी में इनको यूज कर, ये बोलता है फॉरन यूज करना करो, वेट नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेरी तरह बोलेंगे भाई आओगे तो आओगे, मैं वेट नहीं करूंगा तुम्हारे, ठीक है, तो मेरे में थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत वेट भी दिया, ठीक है। ये वाले सिंपल, कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स जो है उसमें फाइबर है, फाइबर क्या करता है, जिस खाने में फाइबर होता है, फाइबर आपकी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। अब क्या करेगा, वो आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको एनर्जी देगा, जब वो पेट के अंदर है
उतनी डबल रोटी आपने खाई ब्राउन ब्रेड और उतनी आपने व्हाइट व्हाइट वाली फॉरन कहीं ब्रेड के अंदर शामिल हुई, उसने एनर्जी दी, नहीं हुई तो फैट में स्टोर होगी। अब आप लोगों का फैट किस तरह से डिवेलप हो रहा है आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोग सिंपल कार्ब बहुत ज्यादा खा रहे हो, फैट कैसे जमा हो रहा है समझ में आ रहा है, और फैट क्यों बर्न नहीं हो रहा वो भी समझ में आ रहा होगा कि चूंकि सिंपल है तो ग्लूकोज ज्यादा इंसुलिन ज्यादा, जब इंसुलिन मौजूद है तो फैट को टैप भी नहीं कर सकते। ब्राउन वाला क्या करेगा, ब्राउन वाला आपकी बॉडी में स्लो स्लो करके एब्जॉर्ब होगा, तो वो क्या करेगा उतना ही है, दो बंदे करके ब्लड के सेल के पास आएंगे, दो दो करके आएंगे तो वो चौकीदार को बोलेगा लोड कम है यार इनको आने दो, ऐसे ऐसे करके आएंगे। अब आपको क्या है एनर्जी लॉन्ग टाइम तक मिल रही है, ब्लड जब भूखा नहीं बैठा हुआ, इसको हर दफा थोड़ा थोड़ा करके, जब वो थोड़ा थोड़ा करके बॉडी में ग्लूकोज आ रहा है तो पैंक्रिया को क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके इंसुलिन देनी पड़ रही है, सही है। इसीलिए वो आपको क्यों कहते हैं कि यार आपको ब्राउन वाला कंज्यूम करना है जिसमें फाइबर है, जिसमें वाइटामिन है, जिसमें मिनरल है, समझ में आई। अब जो आपकी डाइट बनेगी वो इन चीजों की बेसिस पे बनेगी, क्या आपको लो कार्ब्स तो रखने, लेकिन अगर लो ही कर दिए तो पता चला एनर्जी भी नहीं है बॉडी के अंदर, इतनी इंसुलिन भी प्रोड्यूस नहीं हो रही कि प्रोटीन को सप्लाई कराया, इतनी भी नहीं प्रोड्यूस हो रही है भाई कोई चलने फिरने की तो हिम्मत हो, तो वो कितनी रखनी है वो आपकी हाइट आपका वेट आपकी एज उसके हिसाब से अलग होगी। इधर आओ, इस बंदे का फैट लॉस का गोल अलग है, इसके ऊपर चर्बी ज्यादा है, इसकी अलग डाइट बनेगी, ये बंदा है इधर आओ इसको अलग काम करना पड़ेगा, ये इधर आओ आप इधर आओ, इसको और इसको इसको अलग अलग क्वांटिटी के अंदर खानी पड़ेगी, इन दोनों को मैं ये नहीं कह सकता तू भी एक कप का तू भी एक कप का, ये कर दिया तो मैंने सबसे बड़ा धोखा किया है। ये हो रहा है मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल, वो क्या बोलते हैं एक प्लान बनाया सबको बांट दो, तुम इधर आओ आप इधर आओ अंदर तुम इधर आओ उधर खड़े इधर आओ, इसका साइज देखो आप, इसका साइज देखो इधर आओ, आप लोग खुद नोट करो इन तीनों बंदों को इस सब अलग अलग है। मैं इसको कह दूं कि यार तुम भी एक कप खाओ, इसको कहो एक कप, इसको बोलो एक कप खाओ, इसको भी बोलो एक कप खाओ, इसको भी बोलो एक कप खाओ, क्या होगा शायद एक कप जो है वो इसको सूट कर जाए, इसको शायद कम पड़े, ये निढाल हो जाएगा बोलेगा मुझे में एनर्जी नहीं है, ये कहेगा कि यार क्योंकि इसके ऊपर फिक्स तुक्का बैठ गया, इसके ऊपर बेशक वो कॉम्प्लेक्स है स्लो स्लो जा रहा है लेकिन एक्सेस में हो गया, ये गेम करना शुरू कर देगा, बोलेगा भाई मैं डब्बे बनाने आया था तूने मुझे उल्टा करा दिया, ये चीट हो रहा है आपके साथ मार्केट में। आप सबको अलग अलग डाइट प्लान चाहिए, आप सबको अलग अलग चाहिए, ये थ्योरी तो सबके लिए सेम है ना, उस अलग अलग करने के लिए मैं आपको अपने ऑफिस बुलाऊंगा जो आना चाहे, और उसके लिए मैं आपसे साल में 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, ठीक है, मैं आपसे उस चीज के लिए 3,000 रुपए चार्ज करूंगा सिंपल खुल के, जो 3,000 रुपए देना चाहता है दे, नहीं देना चाहता ये इंफॉर्मेशन उसके लिए फ्री थी, वो जाए और खुद काम करे। लेकिन जहां आप 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, मैं इस वक्त यार मुझे लोगों ने ऑनलाइन 15,000 रुपए भी ऑफर किए इसी चीज को समझा के करने के लिए, 3,000 क्यों रखे मैंने, पैसे क्यों रख रहा हूं, वजह है जहां आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हो ना वहां मुझे भी कुछ दो ताकि आप सीरियस हो, मैं आपसे 10,000 रुपए चार्ज नहीं कर रहा, मैं आपसे 1,000 भी नहीं चार्ज कर रहा, ठीक है, मुझे इतने करने ताकि उसमें आपको बताओ कि आप वाकई में सीरियस हो भी या नहीं, अगर आप 1.5 लाख रुपए सालों से जाया कर रहे हो तो मैं इतना डिजर्व करता हूं कि यार मैंने आपको ये चीज 4% जो आपको बता रहा है और उसने आपको 4% भी सही नहीं बताया, उसको तो आप लाखों रुपए दे रहे हो, जो बंदा आपके साथ ईमानदारी के साथ आपको कर रहा है वो बोले यार मैं 3,000 रुपए मांग रहा हूं, अगर आप उसको ना दो तो मेरे हिसाब से आपको शर्म आनी चाहिए, ठीक है, उस चीज के मैं आपको चार्ज करूंगा, और उसके ऊपर ये बंदा अगर मेरे को बोलेगा हाँ भाई मुझे इसके लिए मैं अलग से बैठ के डाइट बनाऊंगा कि भाई तू इतना खा और इसके हिसाब से मेंटेन कर, इसको साइंस खुद करेगा प्रैक्टिस करेगा, इसको मैं डेमो दूंगा, इसको साइंस समझ में आ गई है, ये खुद ऊपर नीचे करके अपनी डाइट को सेट कर लेगा, इसको पता चल जाएगा एक हफ्ते के अंदर कि मुझमें इतना सूट कर रहा है, इतना सूट कर रहा है, इतना सूट कर रहा है, इसको समझ में आ जाएगी बात, क्या होगा खुद ब खुद डाइट प्लान बनाना शुरू कर देगा, अपनी बॉडी को खुद मेंटेन करेगा। इधर आओ, ये बहुत फॉर एग्जाम्पल मम्मी डैडी है, ये इतना मम्मी डैडी है कि ये बोलता है कि भाई मैं जो हूं ना
मुझे खाना भी आप बना के दो, ठीक है। अम्मी को बोला मैं इसका नौकर था, मैं घर में इसका मुलाजिम था, मैंने वकार भाई ठीक है खाना बना दिया, मैं किचन वकार भाई खाना बन गया किचन से ले लो, मैं टेबल पे लाके दे, ठीक है सर ले आया ले आया, तू खिला मुझे ठीक सर सर, मैंने पैसे दे रहे हो यार इतना तो करूँ, मैं चमचा उठाया यहाँ तक लिया। अब अगर इसको खाना खाना मुँह इसको खोलना है और चबाना इसको खोले, मैं इसके लिए मैक्सिमम मैक्सिमम मैं खाना यहां तक ला सकता हूं, वो काम मैं आपके साथ कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली आपके साथ आपको मार्केट में खाना तो दूर की बात, आपको होते चल बेटा भाग यहां कोई खाना वाना नहीं है खुद ले गया, ये हो रहा है मार्केट में, और उसके लिए इतने पैसे लेंगे। 42 डे चैलेंज मेरे दोस्तों ने अटेंड किए, 43rd पूछ रहे हैं, 43rd डे या डाइट प्लान तो बता दो यार, अगर उन्होंने 42 डे चैलेंजेस में ये बता दिया तो उनका बजट कैसे बिकेगा। मैं उस माफिया के खिलाफ खड़ा हो रहा हूं मार्केट, ठीक है, और ये मैंने अपना पैशन इसको जो है ना, मैंने माय पैशन इज टू एजुकेट द कॉमन पीपल लाइक ऑल ऑफ अस, और ये जो मार्केट में जो लोग चीट कर रहे हैं ना यार, आपको ठीक है आप पैसा बना रहे हो बनाओ, 42 डे चैलेंजेस हो गए, जिम के पैसे ले रहे हो आप, अच्छी चीज ले रहे हो, आप ये इंफॉर्मेशन दो, अगर आप ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे आप चीट कर रहे हो, मैं आप पे तो केस करूंगा। हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता केस, बाहर अमेरिका के अंदर जो मैं सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, पीपल इंस्ट्रक्टर्स विदाउट अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन आर नॉट अलाउड टू इवन प्रिस्क्राइब, नॉट इवन अलाउड टू गिव यू द वर्कआउट प्लान, हमारे यहाँ ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, लोग काम नहीं कर सकते। कितना बड़ा आपके साथ चीट हो रहा है, आपको सालों से आप जिम जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि ग्लूकोज कितना इंपॉर्टेंट चीज है। भाई जान क्या नाम है? तला भाई, तला भाई, तला भाई इधर आओ प्लीज, मैं हां इधर आओ। आपका गोल क्या है? फैट लॉस, इधर आओ ना, इधर प्लीज आओ यार, क्या शर्माने की बात है भाई, फैट लॉस है, फैट लॉस के लिए अब आपको क्या करना है, आपको लो कार्ब्स रखने, ठीक है, प्रोटीन अपनी बैलेंस रखनी है, ठीक है, कितनी रखनी है वो आपको मैं भाई बना के दूंगा तो वो बताऊंगा, कुछ चीजें मैं भी तो हिडन रखूं, सीधी बात है, ठीक है, कितनी खानी है, फैट कितना कंज्यूम करता है, ठीक है, वो कर लिया, सही है, ये करोगे लो कार्ब होंगे आपकी बॉडी में, इंसुलिन लो होगी, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप फैट की सरहद में दाखिल हो जाओगे, अब जब आप फैट की सरहद में दाखिल हो गए तो आप फैट को बर्न करोगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जब फैट को टैप कर लोगे, ठीक है।